डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी सार का 6 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस बुक को लिया है और पढ़ा है वो समझ रहे होंगे कि बुक काम का है। तो हम लोग एक अच्छे बुक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे आपको रिवाइज भी करना है, केवल एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देना है। तो याद रखें कि सैटरडे और संडे जब हम लोग थोड़ा सा लीजर डे लेते हैं, 5 दिन के अलावा सैटरडे या संडे रिविज़न डे होता है, तो उस दिन आप रिविज़न करें। पीछे अगर छोड़ते चले जाएंगे आप भूलते चले जाएंगे। आज हम एक इसका एक उदाहरण अभी आपको दिखाएंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और हमारे लिए काम की बुक है। देखिए, आज हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से। 3 ऐसे सेगमेंट अभी तक हम लोगों ने किया है, इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। स्रोत, हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, स्रोत सोर्सेज, आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपने इस पेज को कर लिया, मात्र एक पेज को, मेरी उम्मीद है सोर्स से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, स्रोत से। दूसरा भाग, तीसरा अनुसूची और चौथा अनुच्छेद, इन चारों ही सेगमेंट से इस 3 पेजेस में जो कंटेंट है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हमें भी थोड़ा इत्मीनान लगता है कि जिस ढंग का इसमें प्रेजेंटेशन है, जितने अच्छे से बताया है और जिस तरह का प्रिंट है जो आसानी से समझ में आता है, दिखता है, ये हमारे लिए बहुत काम का है। तो आज चलिए हम लोग जो पेजेस ले रहे हैं उसमें आज हम लोग 7 नंबर पेज करने जा रहे हैं। 7 नंबर पेज में क्या है, अगर इस बुक को आपने देखा होगा, नेक्स्ट आप जाएंगे, भारतीय संविधान की विशेषता है। ये सबसे लंबा है, ये सबसे कठोर है, लेकिन ये नम भी है। इसमें अर्थसंघीय व्यवस्था है, कहीं पर संघात्मक दिखता है तो कहीं पर एकात्मक दिखता है, सब कुछ आपको दिखाई देगा इस संविधान की विशेषता में। एक पेज में आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, मात्र एक पेज, 7 नंबर पेज। उसके बाद नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी होता है। 2 ज्योग्राफी के पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इंडियन और वर्ल्ड। देखिए, आज फिर से जिस पेज पे हम लोग जा रहे हैं, इस पेज में एक पूरा मैप बनाकर ये बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ हाईलैंड्स हैं, कहाँ कहाँ पर दर्रे हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरह से नदियाँ भारत में प्रवेश करती हैं, कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है, भारत में प्रवेश करती है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, दर्रे कहाँ पर हैं, ये डिमार्केट करके यहाँ पर एकदम क्लियर ढंग के, बहुत अच्छे प्रिंट के साथ आपको समझा दिया गया। तो ये आपका बहुत अच्छा फिजिकल मैप यहाँ पर है, जिसमें आपको कहाँ कहाँ पर हाईलैंड्स हैं। सह्याद्री, अब सह्याद्री तो आपने बहुत पढ़ा है, हम वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। कहाँ है सह्याद्री? ठीक है, आप बोलेंगे कि पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट में कहाँ से कहाँ तक है? ठीक, आप कहेंगे कि केरल से लेकर के उधर गुजरात के तट तक। यहाँ पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पर हाईलैंड को बहुत अच्छे से डॉट 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 करके बता दिया गया है कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद पूर्वी घाट, दूसरे बीच के हाईलैंड, बहुत अच्छा फिजिकल मैप। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक पेज में विश्व के वैसे देश जो कर्क रेखा पर, मकर रेखा पे, भूमध्य रेखा पे स्थित हैं, कहाँ कहाँ आप खोजिएगा, कितने देश हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, भूमध्य रेखा से गुजरते हैं, मकर रेखा से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर से, कितने देश हैं, कहाँ खोजिएगा आप, यहाँ पे सारा एक जगह डिटेल्स दिया हुआ है। और भी अक्षांश देशांतर से संबंधित और भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं, तो एक पेज में प्रेशियस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट करते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन कौन सी गैसें हैं, किस लेयर में हैं, क्या चेंज हो रहा है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, क्यों तो सम्मेलन कहाँ हुआ था। अच्छा, यहाँ पर ये भी सार रूप में एक पेज में कलेक्शन है जलवायु परिवर्तन पर, इन्वायरमेंटल चेंज जो हो रहा या क्लाइमेटिक चेंज हो रहा उसे संबंधित। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 लगातार सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिजिक्स में आज है पदार्थों के समान गुण, यानी पानी में अगर डाल देंगे वेट पे क्या असर पड़ेगा, आर्कमिडीज के सिद्धांत, सरफेस टेंशन, प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, पदार्थों के सामान्य गुण। उसके बाद केमिस्ट्री में आज है धातु और उसके अयस्क, प्रमुख मेटल और उसके ओर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो ये सब ओर्स एक जगह बॉक्स बनाकर बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। इसे भी आपको रिवाइज करना होगा बार बार, एक क्वेश्चन यहाँ से साइंस से, केमिस्ट्री से रेगुलर दिखता है। और उसके बाद बायोलॉजी पे आप आएंगे तो बायोलॉजी में आज हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल कोशिका, सार रूप में एनसीईआरटी सार है। एक पेज में हम समझ लेंगे सेल क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स, डीएनए, आरएनए, जीन, ये सब समझना है, सेल और सेल का स्ट्रक्चर और उसके अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर एक पेज में सार रूप से सेल आप करेंगे, यानी कोशिका। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों का होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से।
किस तरह से साइंस में और प्रौद्योगिकी में डेवलपमेंट हो रहा, विकास हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, भारत में भी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी, किस प्रकार के मिसाइल्स हम बना रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्या हमारे यहाँ हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है। तो ये आपको रक्षा प्रौद्योगिकी यानी DRDO, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियस, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा बेसिकली एक पेज में। उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग दो पार्ट कर रहे हैं, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न। मेडिवल में आप आएंगे तो सैयद और लोधी वंश बचा हुआ है, पांच वंश हैं दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, तुगलक और सैयद और लोधी। सैयद का महत्व नहीं है, लोधी वंश महत्वपूर्ण है। तीन महत्वपूर्ण शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद मुगल वंश आता है पानीपत के युद्ध के बाद, 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। सैयद और लोधी वंश आप करेंगे, सल्तनत काल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद मॉडर्न में हम लोग करते हैं ब्रिटिश काल के बहुत सारे पक्ष हम लोग कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था, राजनीति या युद्ध। यहाँ पर आज हम लोग करेंगे अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा या उन लोगों ने कैसी नीतियाँ अपनाई। इसमें देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था के तीन प्रकार अपनाए गए, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अब ये क्या था, क्यों था, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्यों ये अलग अलग था, इनका क्षेत्र विभाजन किस तरह से बंगाल, मद्रास और पंजाब या उत्तरी भारत एक जगह सेग्रीगेट करके आपको बॉक्स बनाकर बता दिया गया। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भू राजस्व की व्यवस्था कहाँ कितनी प्रतिशत थी, कहाँ पर कौन सी व्यवस्था लगाई, कौन वहाँ उसका प्रणेता था, किसने इंट्रोड्यूस किया, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो ब्रिटिश काल की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। उसके बाद लास्ट में हम लोग इकोनॉमी का टॉपिक करते हैं, जिसमें आज अच्छा टॉपिक है, जिसमें मुद्रा और बैंकिंग है। अब CRR, SLR या RBI किस प्रकार की नीतियाँ अपनाती हैं, मुद्रा का जो फ्लोटेशन है, जो M1, M2, M3, M4 के रूप में जितना भी करेंसी है, ये किस किस रूप में कहाँ कहाँ व्यवस्थित है, डाकघर से लेकर RBI तक, बैंकों से लेकर जनता तक मुद्रा का प्रसार यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स बनाकर। M1 इज इक्वल टू जनता के पास पैसा, बैंकों के पास जमा और फिर RBI के पास कैश, ये M1 है। और M2 बराबर M1 प्लस डाकघर में मांग जमा डाकघर में भी तो पैसे लिए जाते हैं, पैसे जमा किए जाते हैं। तो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डाकघर में मांग जमा, M1 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये आपको एग्जाम में आ जाता है कि M3 इज इक्वल टू व्हाट, M2 इज इक्वल टू व्हाट, पैसे का मुद्रा का प्रसार किस रूप में M2 में दिखाई देता है। तो ये सब आप करेंगे मुद्रा और बैंकिंग में, इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और फिर हम कहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये कर रहे हैं वन लाइनर, तो एक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, आप प्लीज़ इसे लीजिए, चाहे लूसेंट चाहे क्रॉन, एक बुक आप साथ में पढ़िए, तभी आपका ये पढ़ना सार्थक होगा। नहीं तो वन लाइनर करके ये मैथमेटिक्स रीजनिंग की तरह शॉर्टकट करके हम लोग निकल जाएंगे तो कमियां रह जाएंगी, और आपको कहीं पर कंसेप्ट बेस्ड अगर आएगा टॉपिक क्वेश्चंस तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। इसलिए आपको एक बुक पढ़ना है, लूसेंट या क्रॉन, कोई भी एक आप ले लें। अब यहाँ पर जो हम लोग बुक से ले रहे हैं टॉपिक्स, उसमें आज हम लोग मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुका है, तो हम लोग अब बीच का एक विजयनगर साम्राज्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण वंश साम्राज्य विजयनगर, जिसमें संगम वंश, तुलु वंश, सालू वंश, अरविदु वंश, चार वंश आपको दिखाई देंगे। इसमें कृष्णदेव राय का शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, ये सब बड़े महत्वपूर्ण शासक हैं। किसी ने तुर्की धनुष चलाने वालों को रखा, तो किसी ने सैन्य व्यवस्था में सुधार किए, किसी ने मंदिरों का निर्माण कराया, किसके समय विदेशी यात्री आए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इनकी राजधानी कहाँ थी, किसने इस वंश की या साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य। और साइंस का फिर हम लोग एक टॉपिक करते हैं, हम लोग बायोलॉजी लेकर चल रहे हैं, कुछ हम जंप भी करते हैं, कई लोग ये शायद मार्क करते होंगे, ये आपने छोड़ दिया सर, हम डिलिबरेटली छोड़ते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बॉटनी लेकर चल रहे हैं, तो हम लोगों ने प्लांट किंगडम किया, अभी सेल हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोग सेल लौट कराएंगे करेंगे। आगे नेक्स्ट आप जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण, जब आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन इससे पहले प्लांट टिश्यू है, पादप उत्तक, इसे आप ज़रूर कर लें, मेरिजमेटिक और परमानेंट टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे प्लांट टिश्यू में छोटा सा, और तब करेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको वाटर और ऑक्सीजन दिखाई देते हैं। तो ये फार्मूला ज़रूर आप, बायोकेमिकल फार्मूला ज़रूर आप करें कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर बनाता है।
और साथ में उसके सभी पक्ष, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, कौन सा अंग है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है, डिटेल्स करेंगे फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है बिहार का एक टॉपिक। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपके पास टाइम है, स्टडी आप करते हैं, तो बिहार का एक टॉपिक करना होगा। एक बुक हमने बता दिया आपको, या क्राउन या इम्तियाज अहमद, ये दो में से कोई ले लें, या किसी कोई और बुक है जैसे के बी सी नैनो है या कोई और बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, टॉपिक मैच कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स हैं। 1857 हम लोग कर रहे हैं, बिहार में 1857 का महासंग्राम, उसका प्रभाव, तो रोहिणी से लेकर पटना सिटी, उसके बाद पटना शहर, दानापुर, आरा, भोजपुर और फिर बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह का आगे फिर अभियान, तो 1857। लेकिन याद रखें, इसमें गया में, मुजफ्फरपुर में, सिवान में, इन क्षेत्रीय लीडरों को आप ज़रूर करें, एग्जाम्स में ये आ जाते हैं कि किसने 1857 में सिवान में नेतृत्व किया विद्रोह का, तो ये सब एग्जाम्स में आपके बिहार स्पेसिफिक में आ जाते हैं, ये ध्यान रहे आपको। अब महत्वपूर्ण बात करेंट अफेयर्स को लेकर, अभी तो करेंट अफेयर्स में करने को बहुत कुछ है, आगे दिखेगा, आप लोग हड़बड़ाएं नहीं। अभी हम लोग SPD और PD लेकर चल रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण, अभी इतना लेकर जाएं, PD में थोड़ा सा कंटेंट कम है लेकिन क्रोनोलॉजिकली आपको मंथली उसमें भी मेन पॉइंट्स दिख जाते हैं। एनीवे, SPD जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग 4 सितंबर तक का जो, या 6 सितंबर अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है, सितंबर तक का आया हुआ है, अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक का आया हुआ है लेटेस्ट। इसमें हम लोग आज पेज नंबर 9 और 10 कर रहे हैं। अब इसमें क्या मिलेगा, पेज नंबर 9 में महत्वपूर्ण जो शहरों के नाम बदले गए हैं, ये एक जगह कलेक्टेड है तो क्या आपको नहीं जानना चाहिए, मुगलसराय का नाम बदल गया, इलाहाबाद का नाम बदल गया और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम बदल गया, और फिर राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं, ये भी एग्जाम्स में आती हैं, और फिर अगर 10 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण सम्मेलन और महोत्सव हुए, फेस्टिवल्स, वो दिया हुआ है। याद रखें कि अक्टूबर 2019 से पहले का अभी नहीं करना है, अक्टूबर 2019 से हम लोग स्टार्ट लेकर आगे बढ़ेंगे, अच्छे से करना है जनवरी 2020 से करेंट अफेयर्स, लेकिन एक साल पीछे का करना है। अगर एक महीने बाद एग्जाम दे रहे हैं आप, 10 दिन बाद दे रहे हैं, तो आपको अक्टूबर 2019 से उठाना चाहिए, अगर सही ढंग से कहा जाए तो। बुक आपकी मैगजीन में दिया हुआ अक्टूबर से, तो हम लोग अक्टूबर लेकर चल रहे हैं, तो ये आप करेंगे अक्टूबर का ध्यान में रखते हुए 2019 से अप टिल नाउ। उसके बाद अंदर में लास्ट में हम लोग स्पीडी में डेट वाइज भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि सर जनवरी 2020 से उठाते, चलिए आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने क्यों अक्टूबर से उठाया, चूँकि आपको एक साल पीछे करना, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तब, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो आपको एक साल पीछे जाएंगे, तो अक्टूबर 2019 तक का करना होगा, प्रोसेस यही है, सही तरीका यही है। तो अक्टूबर में दिया हुआ है, दो दिन में ये समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग अक्टूबर और नवंबर डेट वाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज जो हम आपको दे रहे हैं इसमें अक्टूबर 14 अक्टूबर से लेकर 8 या 7 नवंबर तक का दिया हुआ है, तो दो पेजेस आपको करना है, डेट वाइज आप कर लें। नवंबर में आप पहुंच चुके हैं, एक महीने के बाद, दिसंबर के बाद जनवरी आपका ऐसे भी आ जाएगा, तो आप स्पीडी से डेट वाइज कर लें। हम आपको यहाँ पर पेज नंबर भी दे रहे हैं सितंबर तक का SPD जो अभी लेटेस्ट है वार्षिकांक, और फिर PD से प्रतियोगिता दर्पण से अक्टूबर मंथ का मार्केट में अभी लेटेस्ट जो मिल रहा है वो अक्टूबर 2020 तक का है, अक्टूबर 2020 का मंथली, तो इससे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकर आगे बढ़ रहे हैं, फिर पीछे जाएंगे हम लोग, चूँकि हम लोग सितंबर समाप्त कर लिया है। 5 पार्ट में ये विभाजित होता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद आर्थिक, अर्थव्यवस्था, उसके बाद नवीनतम और फिर खेल। सितंबर हम लोग का समाप्त हो चुका है, अक्टूबर में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला खंड आता है, पहला पार्ट, राष्ट्रीय नेशनल करेंट अफेयर्स, तो इसे आपको कर लेना है। भारत के प्रधानमंत्री पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे कार्यकाल के लिए, उसके कोविड से भी संबंधित सोचना है और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपको अक्टूबर 2020 का PD करना है। तो ये थे आज के बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन जिसमें आपको 15 टॉपिक्स आप करते हैं, 15 टॉपिक्स 24 घंटे में, बहुत सारे लोग करते होंगे। हाँ, हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते होंगे, लेकिन जो कर पा रहे हैं उनकी निधि तैयार हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपको एक दो महीने के बाद ही नतीजा दिखाने लगेगा। टेक केयर।